बाद भी आसिम रियाज रुकने वाले थमने वाले नहीं हैं। 140 दिन तक घर के अंदर अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के बाद जब बिग बॉस के घर के बाहर आसिम आए, हम यही कह सकते हैं शुरुआत तो अभी हुई है। आप सब जानते हैं अनस्टॉपेबल हो गए हैं आसिम रियाज। ट्रॉफी हार कर भी सीजन जीतने वाले आसिम रियाज के अगर आप भी फैन हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। सलमान खान ने बिग बॉस के घर में आसिम को कई बार टारगेट किया है, आसिम को कई बार निशाने पर लिया है। दबंग खान आसिम को फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि सलमान ने आसिम की तारीफ भी एक बार की थी। होस्ट सलमान खान ने कहा था कि आसिम शानदार तरीके से गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस एक तारीफ के बाद लगातार सलमान ने आसिम को डांटा ही है, निशाने पर ही लिया है। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में आसिम रियाज का एक इंटरव्यू होता है जहां वो हर कंट्रोवर्सी पर स्टेटमेंट देते हैं, जैसे हिमांशी के साथ उनका रिलेशनशिप, क्या जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है, क्या जबरदस्ती ये रिश्ता उनसे निभवाया जा रहा है, क्या सलमान खान ने आसिम को वाकई में जानबूझकर हरवाया है। कई तरह के सवाल, इन सवालों का सामना आसिम ने किया और हर सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के आसिम रियाज लगातार चर्चा में हैं और इस खास रिपोर्ट में हम आपसे आसिम की लव लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं बिग बॉस सीजन 13 के दौरान आसिम की निजी जिंदगी सवालों के घेरे में रही है। समझ ही नहीं आया कि आसिम रियाज कमिटेड हैं श्रुति तुली के साथ या नहीं। घर के बाहर विकास गुप्ता दावे कर रहे हैं और घर के अंदर आसिम रियाज नकार रहे हैं। घर के बाहर विकास गुप्ता लगातार बातें कर रहे हैं और घर के अंदर आसिम हंस रहे हैं। वेल, इन तमाम सवालों के बीच में हम आपको बताएंगे किस तरह से घर के बाहर आसिम का हुआ है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई तरह की बातों को साझा कर दिया है। जी हां, आसिम रियाज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जहां वो ढेर सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, सलमान खान जिस तरह से आसिम और हिमांशी को रिलेशनशिप की वजह से टारगेट करते हुए नजर आए, ये बात साफ थी, उन्हें ये रिश्ता रास नहीं आया। दबंग खान जिस तरह से आसिम और हिमांशी को इस रिलेशनशिप की वजह से निशाने पर लेते हुए नजर आए, ये बात साफ थी कि सलमान खान को ये रिश्ता रास नहीं आया। अब आसिम से इंटरव्यू में सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा, If you talk about the Big Boss house, then Himanshi Khurana, I fell in love with her. She is very positive, you know. She used to control my anger as well by saying that this wasn't the right time. She whispered in my ear asking me to win the reality show. Nobody hypnotized me. It was a very pure feeling. We were staying together and it was I who fell in love, even though she kept saying that she loved me as a friend. She later realized it. Yes, we are dating and we are in a relationship. It's a very healthy relationship and we are madly in love with each other. आसिम आगे कहते हैं, I think everything is nice and I really love her. Everything is happy. आपको बता दें, आसिम ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे किसी ने हिप्नोटाइज नहीं किया, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है, बहलाया नहीं है, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ, मुझे हिमांशी से प्यार हुआ है और मैंने ही हिमांशी के साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया है। बता दें आपको, आसिम को कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ा, कई तरह की परेशानियां भी घर के अंदर उन्होंने झेली हैं। जब सलमान खान लगातार उन्हें क्वेश्चन कर रहे थे, हिमांशी खुराना के ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन घर के बाहर आने के बाद आसिम पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। आसिम पॉजिटिव हैं क्योंकि उनका प्यार पॉजिटिव है और उनका परिवार पॉजिटिव है। उमर रियाज
जिन्होंने आसिम को थ्रू आउट द शो काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। ही वॉज हैप्पी टू सी आसिम डेटिंग हिमांशी। उमर कहते हैं, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई विल नॉट अपोज माई ब्रदर, माई हैप्पीनेस लाइज इन हिज हैप्पीनेस। साफ तौर पर उमर रियाज ने कह दिया है, मुझे मेरे भाई की पसंद से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई की खुशी में मेरी खुशी है। अगर मेरा भाई खुश है तो मैं काफी ज्यादा खुश रहूंगा। वेल वेल, भाई की खुशी तो सातवें आसमान पर है। सलमान खान ने जो जो कहा उन सबसे आगे बढ़ते हुए, सलमान खान ने जो जो कहा उन्हें साइडलाइन करते हुए आसिम ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा रखा। आसिम ने सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस पर भरोसा रखा। और यहाँ देखिए जरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आसिम हिमांशी का रिलेशन निकल कर सामने आ रहा है। बता दे आपको, आसिम लगातार चर्चा में है और इसी चर्चा में रहते हुए वो फिलहाल इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट शेयर कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक बेहद प्यारी सी फोटोज शेयर की हैं, जहां वो अपने जिम लुक में नजर आ रहे हैं। और इस जिम लुक पर हिमांशी खुराना ने प्यार भरा कमेंट कर दिया है। जी हाँ, आसिम के जिम लुक पर हिमांशी खुराना प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। हाल ही में इंटरव्यू हुआ हिमांशी का, जहां उन्होंने कहा कि मैं और आसिम एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं। यानी वो तमाम लोग जो कह रहे हैं धोखा हो रहा है, भाई जान लीजिए आप, खुद कह रही हैं हिमांशी खुराना, खुद कह रही हैं आसिम रियाज, धोखा जैसा कुछ नहीं हो रहा है।